अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टू टिंकिंग फॉर माय फर्दर वीडियो। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लोडेड पास्ता, जो कि बहुत ही मजे का बनता है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून घी, और इसके बाद मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स चिकन ले लिया था, बोनलेस चिकन था, अच्छे फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया था, खुद ही खुल जाएगा और पक जाएगा। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है नमक, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, और तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लो, 1/4 टेबलस्पून मैंने तिक्का मसाला ऐड कर दिया। और इसके बाद 1/2 टेबलस्पून डाल दिया है चाट मसाला, और साथ ही इसमें डालूंगी 8 टेबलस्पून दही के, और दही ऐड कर लेने के बाद मैं इसको एक दफ़ा कर लूँगी अच्छा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, क्योंकि अभी चिकन ने खुलना था, चिकन ने पकना था, गलना था। 1 गिलास पानी डाल दिया, बड़ा गिलास था इसीलिए फुल मैंने 1 गिलास डाल दिया था, और इसको कवर करके तब तक पकाऊँगी जब तक बिल्कुल ही अच्छा सा पक जाएगा, गल जाएगा। जब ये अच्छा सा गल गया, पक गया, अब मैंने इसको इतना ड्राई करना है कि इसमें ये ज़रा सा भी सूप ना रहे, ये बिल्कुल एक मसाले की कोटिंग की तरह से चिकन के ऊपर लिपट जाए, उसके ऊपर कोट हो जाए। और जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई हो गया और इस टाइम पे इस पोजीशन में आ जाएगा, तो मैंने इसे निकाल लिया, और अब मैंने इसे ठंडा कर लिया। 1/2 पेज मैंने निकाल लिया था। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या बनाया था, और जो 1/2 है ये मैंने बाउल में निकाल कर, अच्छा अब इसको ना हाथों से जिस तरह मोटे मोटे से रेशे होते हैं ना, वैसे आपने करना है, श्रेड करना है मोटा मोटा। मेक श्योर आपके हाथ और आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन हों, स्टेप 2 पे आ जाते हैं। उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए, साथ ही इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है कुटा हुआ लहसुन। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी कि ताकि इसका सिर्फ कच्चापन मैंने करना है ख़त्म। एक बड़ा प्याज लेकर उसको मैंने फाइन चॉप कट करके वो मैंने ऐड कर लिया, और इसको मैं कर लूँगी अच्छा सा फ्राई। अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा मैंने नरम नहीं करना, इसको जस्ट मैंने इसका जो कह लें कि आप कच्चापन है वो मैंने ख़त्म करना है। हल्का सा डालूंगी इस टाइम पे मैं नमक, तकरीबन 1 से 2 चुटकी नमक डाल लेना है, और सिर्फ इसका जैसे ही कच्चापन दूर होगा और ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा, तो इसके बाद इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने ऐड कर ली है काली मिर्च। और काली मिर्च ऐड कर लेने के बाद बॉयल्ड पास्ता जो है वो मैंने डाल दिया, मैंने एल्बो शेप में पास्ता जो था वो यूज़ किया था, एल्बो शेप का पास्ता बॉइल हुआ हुआ वो डाल दिया, और साथ ही इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा इसे मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, और अब साथ ही इसमें मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर लो नमक, अगर नमक कम लगता है तो थोड़ा सा डाल लो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि हमने हर चीज़ स्टेप वाइज लेके चलनी है, तो नमक बहुत तेज़ ना हो। मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। जैसे ही हो गया इसको कर ली साइड पर, आ जाते हैं स्टेप 3 में। हम लोग तैयार करेंगे वेजीज, उसके लिए क्या करना है, मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के लिए लिए अच्छे बॉयल्ड मटर हैं 1 कप। मैंने आपको बताया हुआ था जिस तरीके से मैं फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि वो 1/2 टन हुए भी होते हैं, तो इसीलिए बस इसको हल्का सा मैं करूँगी फ्राई। अच्छा सा जब ये फ्राई हो गया 1 से 2 मिनट के अंदर, तो इसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी का डाल दिया था, इसको कवर कर दूँगी ये फुल कुक हो जाए। इन जो मटर हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। कलर देखो अभी तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ, और जैसे ही अच्छे से गल गए, और इसके बाद बस इसका पानी बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया। ये बॉयल हुए हुए 2 अदद आलू थे, 2 शिमला मिर्च ग्रीन वाली थी और 1 शिमला मिर्च रेड वाली थी, और इसके अलावा आधी बंद गोभी थी जिसको मैंने श्रेड कर लिया था। अब भी जो है वो मैं यूज़ करूँगी सिर्फ इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च को मैंने मिला के रख लिया था, तो सिर्फ शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी और बंद गोभी ऐड कर लूँगी। अभी मैंने आलू नहीं ऐड करने, आलू किस पोजिशन पर ऐड करने वो मैं आपको बता दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें जो स्पाइसिस यूज़ करूँगी उसमें मैं सबसे पहले डालूँगी चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, और चिली फ्लेक्स ऐड कर लेने के बाद इसमें डालूँगी काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून, और काली मिर्च ऐड कर लेने के बाद नमक 1/4 टेबलस्पून। देखिए नमक हम हर चीज़ में डाल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ नमक आपने देख के डालना है, 1 चुटकी दुरुशी पढ़ के क्लौंची। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून हॉट सॉस के, आप कोई से भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद है, और 2 से 3 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी डार्क सोया सॉस। और इन दोनों को ऐड कर लेने के बाद इसको मैं मिक्स करूंगी, फ्राई करूंगी, हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करूंगी, क्योंकि जो वेजिटेबल का क्रंच है वो मुझे ख़त्म नहीं करना, वो मुझे एज इट इज़ ही रखना है। सिर्फ यह है कि ये जो कुछ लिक्विड्स और ये कुछ मसाले डाले हैं वो सिर्फ अच्छा सा कुक हो जाए। हाई फ्लेम पर जब ये 2 से 4 मिनट के अंदर हो गया,
इस पोजीशन पे आके अब मैंने इसमें डाल दिए थे वो बॉईल हुए हुए आलू। अच्छा, जब आप इस तरीके से आलू डालेंगे ना, अब आपको इसको चम्मच चलाने का स्टाइल देख रहे हैं मैं किस तरीके से चला रही हूँ, इसी तरीके से आप मिक्स करोगे। अगर आप वैसे हांडी की तरह गोल घुमा के चम्मच यूज़ करोगे ना तो ये टूट जाएंगे आलू, बीच में ही मैश हो जाएंगे। बस इसी तरीके से आप नीचे से उठा उठा के और आप इसे मिक्स कर लो। जब ये अच्छा सा मिक्स हो गया, इसको आपने कर लेना है, फिर साइड पर नमक वगैरह चेक कर लो। और इसके बाद अब जो मेन चीज़ें, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब मैं इसे प्रेजेंट करने लगी थी, लाइक अब मैं सर्व करने लगी थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने इन पास्ता को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके बाद कोई सा भी आप ले लो, मार्जरीन ले लो, बटर ले लो, एक टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें बटर डाल दिया। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने जिस टाइम पे ये आपने सर्व करना है या आपने काम उस टाइम पे करना है, पहले करके बिल्कुल भी नहीं रखना। फाइनल स्टेप, फोर्थ स्टेप की तरफ आ जाते हैं। आपने कोई सी भी डिश ले लेनी है, पायरेक्स की डिश ले लें। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये सारा पास्ता जिसमें अभी बटर डाला है और पहले सारा कुछ चीज़ें डाल के हमने इसे पका लिया था, तो इसमें डालूँगी वो पास्ता। और पास्ता ऐड कर लेने के बाद इसको चम्मच से हल्का सा मैं इवन आउट कर लूँगी ताकि हर जगह पे अच्छा सा स्प्रेड हो जाए और एक हमें अच्छी सी कोटिंग के लिए इसकी एक लेयर आ जाए, क्योंकि इसके बाद हमने हर चीज़ को इसके ऊपर कोट ही करना है। इसके बाद जो वेजीज थी वो मैंने अब गर्म कर ली थी। अच्छा, इसको आप माइक्रोवेव में बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि वो अपना मॉइस्चर जो है वो खो देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। मैंने इसको चूल्हे पर फ्लेम पर ही मैंने इसको कर लिया था गर्म। जैसे ही वेजीज गर्म हुई, इसको मैंने निकाल के इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, जो थर्ड लेयर थी ना, जो चिकन की थी, चिकन को मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। उसका कोई इस तरीके का हमें नहीं था कि उसका मॉइस्चर उड़ेगा या ऐसे होगा, तो चिकन बस मैंने जिस तरीके से श्रेड किया था उसके बाद इसको माइक्रोवेव में करके और साथ ही इसके ऊपर मैंने चिकन की लेयर दे दी। फर्स्ट स्टेप पास्ता, सेकंड स्टेप वेजिटेबल, थर्ड स्टेप सारी जाएगी चिकन की। और इसके बाद मैंने ये दो एग बॉईल कर लिए थे, फुल बॉईल करने आपने। और इसके बाद इसको इस तरीके से कट करके मैं इस तरीके से रख दूंगी। आप प्लेट के ऊपर भी रख के इस तरीके से कट कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी आदत हुई भी है, तो अगर आपको नहीं आदत तो प्लीज़ इस तरीके का आप रिस्की काम मत करना। तो आप प्लेट के ऊपर रखो, कट करो और इस तरीके से इससे थोड़ा सा गार्निश कर लो। लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में जब ये आप यूज़ करते हो ना, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने मायोनीज़ ले ली थी और इसके साथ मैंने ले ली थी चिली गार्लिक सॉस और मस्टर्ड पाउडर। इन तीनों को मिक्स करके मैंने इस तरीके से इस बॉटल में फिल कर लिया था और इसके ऊपर इस तरीके से मैंने ड्रिजल कर लिया था। एंड सीरियसली, जितना लुक वाइज मज़े का लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा खा के आप लोग इन्जॉय करोगे। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। इतना ये लोडेड हुआ हुआ, इतना मज़े का, ये इतना कोई कमाल का टेस्ट देता है, आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि थोड़ा सा मैंने बस पार्टी अरेंज की थी अपनी मामा पापा की एनिवर्सरी के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या किया था, कैसा उन्हें सरप्राइज़ दिया था। बेसिकली ये मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ पार्टी थी जो मैंने उन्हें दी थी। और इसके साथ ही मैंने बना लिए थे ये गोल्डन क्वाइंस। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह ताला इन गोल्डन क्वाइंस की ही आएगी। और इन गोल्डन क्वाइंस के साथ ही मैंने बना लिए थे दही बड़े। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके साथ ही मैंने बना लिया था ये लोडेड पास्ता। और साथ ही बस जल्दी जल्दी से मैं चली गई थी केक लेने के लिए, ये वाला मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने जल्दी से इस केक के ऊपर ही सारा कुछ राइटिंग करवा कर और बस फिर इस तरीके से जल्दी जल्दी से राइटिंग हुई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे जल्दी जल्दी से घर पहुँचना था। तो इस तरीके से जल्दी से एक सरप्राइज़ वाला केक रेडी करवा लिया मैंने। और जैसे ही हो गया, बस फिर इसको पैक करवाया, लेने सिर्फ एक केक गई थी और साथ ही बाकी चीज़ें भी उठा के ले आई, होता यही है वैसे ग्रॉसरी में। तो बस साथ ही अब जल्दी जल्दी से हम लोग निकल रहे थे कि जितना जल्दी हो उतना घर जाएंगे। अब दुनिया मेरी जहान है, आपको वो लोडेड पास्ता और वो सारा पहले हमने ले लिया। फिर जैसे ही डिनर का टाइम हुआ, डिनर पर मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था, चिकन टिक्का बना लिया था। इसके साथ ही मैंने बना लिया था अचारी चिकन। अच्छा, चिकन टिक्के की मैं रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको दे दूंगी और अचारी चिकन की दी हुई आई थिंक सो मेरे चैनल पर है। और जहाँ जहाँ पे मुझे कैप्चर करने का टाइम मिल रहा था, सरप्राइज था, तो इसीलिए जहाँ जहाँ पे शूट करने का टाइम मिला मैं वहाँ पे शूट करती रही। और इसके साथ ही मैंने बना लिया था सेवर फूड वाला पुलाव। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं दे दूंगी आपको, इसकी रेसिपी चैनल पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे चिकन की और वैरायटी और पुलाव की वैरायटी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। और साथ ही मैंने बना लिया था ये चिकन स्टीम, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेक कर लो। स्टीम मैंने बहुत तरह के बनाए हुए हैं, आप जाकर चेक कर लो, सब बहुत मज़े के बनते हैं। चिकन स्टीम के साथ मैंने बना लिया था मटन, जो कि बहुत मज़े का बना था। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप का हाथ साया और साथ हमेशा हम सब के सरों पर सलामत रखें, बुरे लोगों की नज़रों हादसों के हसरत से हमेशा बचा के रखें। आमीन सुमामीन। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। एंड फॉर माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep smiling, stay blessed, take care, Allah Hafiz, bye-bye.